जो लगातार जो स्कूली बसों को लेकर जो फिटनेस को लेकर जो अभियान चल रहा है, तो कई सारी बसें ऐसी हैं जो आपने आइडेंटिफाई की हैं जो फिट नहीं है, जी, तो कितनी ऐसी बसें हैं और इन पर क्या कार्रवाई हो रही है, कैसे इनको हटाया जा रहा है, क्या स्कूल प्रबंधन से आप बात कर रहे हैं? मंडल में कुल स्कूल वाहन 3670 हैं, जिसमें 3565 वाहनों का हम लोगों ने 6 दिनों में एक अभियान के तहत चेकिंग की। सारे इन्फोर्समेंट के ऑफिसर्स, आरटीओ प्रवर्तन, इसके अलावा आरटीओ प्रशासन और सभी आरआई, मंडल में 5 आरआई हैं। 6 दिन तक कड़ी मेहनत करके ये जो है 3565 गाड़ियों की चेकिंग की गई, जिसमें काफ़ी वाहनें चूंकि कोरोना पैंडेमिक के मारे चल नहीं रही है, जैसा कि स्कूल प्रबंधन बताता है, इसमें से 2179 गाड़ियां ऐसी पाई गई जो फिट नहीं है, और 1439 वाहनें जो है वो फिट पाई गई, जो भी मानक है स्कूल बसों के लिए उसमें वो सही पाई गई। इन सभी प्रकरण में 1662 वाहनों को नोटिस दी गई, पुनः नोटिस, पहले भी नोटिस जा चुकी है इनको और फिर से नोटिस दी गई इनको विगत 6 दिनों के अभियान में 22 से 28 तक के बीच में, और इस बीच 65 वाहनों का चालान जो है आगरा में किया गया, 38 वाहनों का फिरोजाबाद में किया गया, 36 वाहनों का मैनपुरी में कर किया गया और 80 वाहनों का चालान जो है ये मथुरा में किया गया। इधर 29 तारीख से 4 तारीख तक तो फिर से मैंने उसका डेवलपमेंट देखा, तो उसमें करीब 50 वाहनों ने फिटनेस स्कूल में आके उनको दी गई नोटिस के अनुसार जो कमियां थी उसमें सुधार करके करा लिया गया है। कल दिनांक 5 को हमने सभी स्कूल प्रबंधकों की बैठक की थी, उसमें करीब 50 लोग आए थे, जिसमें उन्होंने विद इन 1 वीक का समय मांगा है, और जो भी वाहन चल रहे हैं, ज़्यादा वाहन तो नहीं चल रहे हैं उनके, कारण है कि हमारे वाहन स्कूल के बच्चे की जो स्ट्रेंथ है अकॉर्डिंगली नहीं है, लेकिन जो चलेंगी वो फिट करा के ही चलेंगी। मेरे सवाल ये है कि आप 3670 में से ये 2111 वाहन जो स्कूली बसें हैं वो या वैन हैं वो फिट ही नहीं है, तो ये तो कहीं किसी बहुत बड़ा नहीं, रिस्क है। रिस्क है, लेकिन इसमें से जो जो 2179 में करीब 1500 वाहन खड़ी हैं, एक स्कूल परिसर में खड़ी हैं, और उनके अनुसार तो सारी बसें खड़ी हैं, लेकिन हम लोग चेकिंग कर रहे हैं। कल भी जैसे हम लोगों ने करीब 8 वाहनों को बंद कराया है जिनका फिटनेस अकॉर्डिंगली नहीं था, और ये कार्रवाई लगातार चलेगी, अगले 15 दिन तक इस पे काफी कार्रवाई की गई, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो वाहनें चल रही हैं संचालन में रहेंगी वो सबको फिट कराया जाए, नहीं तो उनको सीजर की कार्रवाई की जाए। कब तक माना जाए कि अभियान की तैयारी इनकी प्रॉपर जो गाइडलाइंस है, प्रॉपर जो एसओपी है, एक बस की होती है, इसकी इसमें सिक्योरिटी सभी सभी जनपदों के एआरटीओज को ये निर्देश दिया गया है कि जिला विद्यालय यहाँ वाहन की एक बैठक करा लें एसपी साहब और डीएम साहब और स्कूल प्रबंधन के साथ में बैठ के, एक तरह से एक जनरल अवेयरनेस, और इनको थोड़ा टाइट भी करना जरूरी है। जैसे मैं व्यक्तिगत बात करता हूँ कि आपके गाड़ी, आपके कॉलेज में इतनी बसें हैं, इतनी फिट हैं, तो एक ही जवाब वो देते हैं, सर ये वाहनें चल नहीं रही, मेरे परिसर में खड़ी है, तो मैं उसका भी वेरिफिकेशन कराऊंगा कि क्या ये सही बोल रहे हैं कि नहीं। सारे स्कूलों में लोग जाएंगे और इनके बताए हुए कि जो बाहर नहीं चल रही है वो स्कूल में खड़ी है या नहीं खड़ी है, ये कार्रवाई लगातार चलेगी स्कूल जब तक स्कूल खुला है, कम से कम 20 जून तक। गाजियाबाद की घटना के बाद उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री ने पूरे उत्तर प्रदेश में एक अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत आगरा के जो संभागीय परिवहन अधिकारी हैं प्रमोद कुमार सिंह, उनके मुताबिक अगर कुल मिलाकर 3670 बसें हैं जो स्कूल से कहीं ना कहीं एफिलेटेड हैं या स्कूल से कहीं ना कहीं अटैच हैं, उनमें से आधे से ज़्यादा बसें हैं जिनकी फिटनेस ठीक नहीं पाई गई है, यानी 2179 बसें ऐसी हैं जो पूरी तरह से फिट नहीं हैं, और उन बसों के जो कहा जाए जो ओनर हैं उनको नोटिस दिया गया है। इसके साथ ही जो स्कूल प्रशासन है, संचालक हैं, उनको भी ये चेतावनी दी गई है कि अगर स्कूल की बसें फिट नहीं होंगी तो उनकी सीजर की कार्रवाई की जाएगी। मानक के अनुरूप ना पाए जाने की दशा में 1662 बसों
के संचालकों को नोटिस भी निर्गत किया गया है। तो ऐसे में जो पूरी तरह से कहा जाए स्पीड गवर्नर से लेकर जो सेफ्टी किट से लेकर और जो तमाम जो सुरक्षा मानक स्कूल बस में होने चाहिए वो तमाम मानकों का उल्लंघन कर जो तमाम जो स्कूल के जो स्कूल बस के जो संचालक हैं जो उनके जो ओनर हैं अपने ड्राइवरों को ऐसे ही बसों को की चाबी देते रहते हैं लगातार उन्हीं से जो स्कूल के जो बच्चे हैं उनको लाने ले जाने का क्रम चलता रहता है और कई बार ये देखने को मिलता है कि बड़े हादसे होते हैं जिसमें मासूमों की जान चली जाती है। और इसको लेकर अब पूरी तरह से जो परिवहन विभाग है पूरी तरह से सख्त नज़र आ रहा है और करीब एक पखवाड़े से यानी 15 दिनों से एक अभियान चल रहा है जिसके तहत ऐसे स्कूली जो बस हैं जो पूरी तरह से फिट नहीं हैं उनकी फिटनेस सर्टिफिकेट में वो पूरी तरह से खरी नहीं उतर रही हैं उनको आगे चल के सीजर की भी कार्रवाई की जा सकती है। इसको लेकर संभागीय परिवहन अधिकारी प्रमोद कुमार सिंह की तरफ से स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। आगरा से नितिन उपाध्याय एबीपी गंगा। एबीपी गंगा खबर आपकी जुबान आपकी।